गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड तक हो गए थे, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का साइन 70 साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 70 कॉस 20 डिग्री। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे? देखो ये आप ही को करना है। होगा कैसे? देखो, या तो साइन को चेंज कर दो कॉस में, या कॉस को चेंज कर दो साइन में। कैसे? देखो यहाँ साइन 70 डिग्री है, तो आप कैसे करोगे? यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा वो कॉस 90 माइनस 70, और ऐसे कैसे यहाँ पे क्या लगेगा? कॉस 90 माइनस 20, फिर दोनों कट के जीरो बना देगा। कर लोगे? अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर थ्री का सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? 2 cos 67 अपॉन साइन 23 माइनस 10 40 अपॉन cot 50 डिग्री माइनस cos 60। देखो cos 60 की वैल्यू तो त्रिकोणमितीय सारणी से अपन निकाल सकते हैं। इन दोनों को अपन हल करते हैं। इन दोनों में क्या आएगा? देखो पहले cos और साइन दे रखा है, तो अपन किसी एक को चेंज कर देते हैं। अपन ने कॉस को चेंज किया, ये 2 इंटू में कॉस 67 डिग्री की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 23 डिग्री। और यहाँ आगे क्या होगा? देखो ये माइनस 10 40 और कॉट 50, अपन 10 को ही चेंज करते हैं, तो 10 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? कॉट 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉट 50 डिग्री माइनस। अब कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 60 होता है अपना 1/2। ठीक है, अब ये कितना हो गया? 2 इंटू साइन 90 माइनस 67, ये हो गया साइन 10 में से 7 गए 3 और 8 में से 6 गए 2 डिवाइडेड बाय साइन 23 डिग्री माइनस। अब यहाँ क्या आएगा? कॉट 90 माइनस 40 दैट इज 50 डिवाइडेड बाय कॉट 50 डिग्री माइनस 1/2। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो क्या होगा, साइन 23 से साइन 23 कट गया, कॉट 50 से कॉट 50 ये भी कैंसिल आउट। पीछे क्या बचा? 2 इंटू यहाँ पर 1 माइनस, ये कितना? 1 माइनस कितना? 1/2। यहाँ तक ठीक है? अब देखो 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2 2 माइनस 1 ये आया 1 माइनस 1/2। अब आप सब जानते हो 1 में से हाफ माइनस करते हैं, 1 में से आधा चला गया, पीछे कितना बचा? हाफ बचा। तो यहाँ क्या आएगा? ये हो गया 1/2 आंसर। कर सकते हो, इजी है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? टेन 12 डिग्री कॉट 38 क्वेश्चन नंबर 5। टेन 12 डिग्री कॉट 38 डिग्री कॉट 52 डिग्री कॉट 52 डिग्री कॉट 60 डिग्री एंड टेन 78 डिग्री। अपन को क्या करना है? इसमें वैल्यू फाइंड करनी है। क्या होगा? देखो सबसे पहले 12, 38, 52 और 78 इनका मान त्रिकोणमितीय सारणी में कहीं नहीं दे रखा है, लेकिन कॉट 60 का मान दे रखा है। तो अपन क्या करें? देखो इसमें 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? अपन को कोई दो कोण ऐसे लेने हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो? 90 डिग्री हो। तो अपन ऐसे दो कोण लेते हैं। देखो 12 में अपन कितना जोड़ें कि 90 बनेगा,
तो अपन क्या करें, 90 में से 12 को घटा देते हैं, 10 में से 2 गया 8, इधर एक कैरी दिया था, उधार दिया था एक, तो 9 में से 1 गया 8, 8 में से 1 गया 7, मतलब 12 डिग्री के साथ कौन सा रहेगा, 78 डिग्री, 78 डिग्री रहेगा, और 38 के साथ में 52। आप 38 और 52 दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, वो भी 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेते हैं इसको, 10 12 और 10 78, इन दोनों को एक साथ कर देते हैं, तो यहाँ आ गया, इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूँ मैं, 10 12 डिग्री, 10 78 डिग्री इंटू cot 38 डिग्री, cot 52 डिग्री इंटू में क्या दे रखा है, cot 60 डिग्री, यहाँ तक ठीक है। अब देखो 10 12 और 10 78, इन दोनों में से किसी एक में अपन को 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, और ऐसे कैसे कोट में किसी एक में यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं इसमें लगाता हूँ 10 12 डिग्री पर, तो ये हो जाएगा अपना कोट 90 डिग्री माइनस 12 डिग्री इंटू, ये दे रखा है अपना 10 78 डिग्री। अब देखो कोट 38 में अपन फार्मूला लगाते हैं कौन सा, 10 वाला, तो 10 90 माइनस 38 डिग्री इंटू कोट 52 डिग्री। अब कोट 60 की वैल्यू क्या होती है, जो 10 30 की होती है, 1/√3। ठीक है, अब क्या करें, कोट 90 माइनस 12 कितना हो गया, ये हो गया अपना कोट 90 माइनस 12 78, cot 78 डिग्री इंटू 10 78 डिग्री इंटू यहाँ कितना, 10 90 माइनस 38 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 52 डिग्री इंटू cot 52 डिग्री इंटू में कितना चल रहा है, 1/√3। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा है सिक्स एक्सरसाइज में, कौन सा, कोट थीटा बराबर आपकी क्या होता है, 1/tan थीटा एंड 10 थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। ठीक है, तो इनका उपयोग करते हैं अपन कहाँ पे, कोट की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 10 थीटा, कैसे, 1/10 78 डिग्री इंटू ये कितना, ये अपना 10 78। फिर आगे क्या होगा, देखो 10 या cot किसी एक को चेंज कर दो, तो अपन इसमें 10 को चेंज कर देते हैं, 10 को चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 1 10 थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, तो 10 52 इक्वल टू 1/cot 52 डिग्री इंटू साथ में क्या दे रखा है, cot 52, तो ये आ गया cot 52 डिग्री इंटू 1/√3, 1/√3, यहाँ तक ठीक है। अब देखो 10 78 से 10 78 कैंसिल हो गया, cot 52 से cot 52 कैंसिल हो गया, तो अपने पीछे क्या बचा, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और लास्ट में 1/√3। अब 1 को अपन किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, किसी से भी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, मतलब 1 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, 1 × 1 × 1/√3, दैट इज 1/√3, ये इसका आंसर कर सकते हो, इजी है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो वो उसका सेकंड क्वेश्चन आप कर सकते हो, तो अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 0 से लेके 45 डिग्री के बीच में अपन को त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है इन दोनों क्वेश्चंस को। देखो यहाँ पे कितना दे रखा है, 81 और ये 71, तो इन दोनों को अपन को क्या करना है, 0 से लेके 45 डिग्री के बीच का कोण लाना है, वो कैसे आएगा, देखो साइन 81 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो साइन थीटा बराबर होता है कॉस
90 माइनस थीटा, तो यहाँ अपन क्या लिखें, कॉस 90 डिग्री माइनस 81 डिग्री प्लस यहाँ पर साइन 71 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस 71 डिग्री, क्लियर। अब देखो 90 माइनस 81 दैट इज कॉस 9 डिग्री प्लस यहाँ ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 71 कितना हुआ, ये हो गया 10 में से एक गया 9 और एक कैरी दिया था, 8 में से 7 गया 1, ये इसका आंसर। देखो इसमें कॉस के दोनों कोण 0 से लेके 45 के बीच में है ना, एक 9 डिग्री और एक 19 डिग्री, दोनों के दोनों छोटे हो गए। अब बात करते हैं टेन 68 प्लस सेक 68 की, ये क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन दिया है टेन 68 डिग्री प्लस सेक 68 डिग्री, ठीक है। देखो इसमें अपन क्या करेंगे, दोनों कोणों को चेंज करते हैं, कैसे होगा, यहाँ क्या लिखें, टेन 68 की जगह ये हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस ये 68 डिग्री प्लस सेक 68 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 68 डिग्री, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो कॉट 90 माइनस 68 कितना हो गया, ये हो गया कॉट 10 में से 8 गए 2 और 8 में से 6 गए 2, कॉट 22 डिग्री प्लस कॉसेक 90 माइनस 68 ये कितना होगा, कॉसेक 90 माइनस 68 हो जाएगा कॉसेक 22 डिग्री, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, जैसे अपना इस टाइप का क्वेश्चन आ गया एक, कॉस 42 डिग्री प्लस साइन 31 डिग्री, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको कोण लाना है 45 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में कोण में व्यक्त करना है, ठीक है। कैसे होगा वो आप जानते हो। सेकंड क्वेश्चन आ गया, साइन 15 माइनस साइन 32 डिग्री, इसको आपको किस में चेंज करना है, 45 डिग्री से लेके 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात में, ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, 7 क्वेश्चन क्या दे रहा है कि सिद्ध करना है अपन को, क्या सिद्ध करना है कि साइन 65 प्लस कॉस 25 इक्वल टू 2 कॉस 25। देखो एक कॉस 25 तो अपने पास पड़ा है, तो इसको अपन चेंज कर दें कॉस में, तो क्या हो जाएगा, कॉस 25 प्लस कॉस 25 2 कॉस 25 बनेगा। देखो कैसे होगा, इसमें अपने दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड में, पहले इसको नोट कर लेते हैं, साइन 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री, ठीक है। अब देखो साइन 65 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 एज इट इज रहेगा, कॉस 25 डिग्री, ठीक है। अब कॉस 90 माइनस 65 कितना हो गया, कॉस 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री, ठीक है। कॉस 25 प्लस कॉस 25 दैट इज कॉट सॉरी कॉस 25 और ये 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो आगे क्या लग जाएगा, 2 कॉस 25, ठीक है। कुछ कुछ बच्चे क्या होते हैं कि उनके मेंटेलिटी रहती है कि कॉस कॉस सेम है तो 25 को जोड़ के 50 लिख देते हैं, ऐसा अपन को नहीं करना है, अपन को सीधा ध्यान रखना है कि जैसे x प्लस x करते हैं तो कितना होता है 2x होता है, ना कि x स्क्वायर, तो ये राइट रहेगा ये रॉन्ग रहेगा, ठीक है। अतः
लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, 9th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, cos 70 अपॉन sin 20 प्लस cos 59 डिग्री अपॉन sin 31 डिग्री माइनस 8 sin स्क्वायर 30 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हो, बट करवा देता हूँ। देखो यहाँ क्या है, cos 70 sin 20 किसी एक को चेंज कर देते हैं, अपन किसको चेंज करेंगे, cos को चेंज करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा अपना sin 70, इसकी जगह क्या लिखना है 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 20 डिग्री, क्लियर, प्लस अब इन दोनों में किसी एक को चेंज करना है तो अपन sin को चेंज कर देते हैं, क्या आ जाएगा cos 59 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 31 को अपन क्या लिखेंगे cos 90 माइनस 31 डिग्री, ठीक है, माइनस 8 इंटू साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, ये 1/2 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया 90 माइनस 70, तो ये हो गया अपना साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 59 डिवाइडेड बाय cos 59 डिवाइडेड बाय cos 90 माइनस 31 cos 59 माइनस 8 इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4, ठीक है। ये देखो sin 20 से sin 20 कट गया, फिर cos 59 से cos 59 कैंसिल, अब यहाँ पर 4 1s 4 4 2s 8, क्या आ जाएगा, इधर पूरा 1 प्लस ये भी 1 हो गया माइनस यहाँ पर 2 into 1 2, तो ये माइनस का 2 इधर 1 plus 1 कितना 2, 2 minus 2 0, तो अपन क्या कर सकते हैं 0, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया आपको, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो दे रखा है साइन 55 साइन 35 डिग्री माइनस कॉस 55 कॉस 35 डिग्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जैसा, ये 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो ये आप कर सकते हो ना, एक बार ट्राई करना। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर दिया हुआ है, टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। इसमें अपन क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे फिर राइट हैंड साइड को, और दोनों का आंसर सेम आएगा, देखना। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा, तो पहले अपन इसको लिख दें साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। अपन क्या जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना कॉस थीटा, एंड कॉस 90 माइनस थीटा क्या था, कॉस 90 माइनस थीटा था अपना साइन थीटा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा की जगह पर आ जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा की जगह पर साइन थीटा, ठीक है। इसको अपन आगे पीछे लिख देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ तक ठीक है। अब अपन राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप सब जानते हो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसका यूज़ करें यहाँ पे, क्या आ जाएगा टेन थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब देखो
टेन थीटा को अपन क्या लिखते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और सेग थीटा को अपन क्या लिख देंगे, वन अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। अब देखो कैसे करना है, ऊपर अपना आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, सेग की जगह अपन क्या लिखेंगे, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू, अब ये उल्टा होगा ऊपर जाएगा तब, तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय वन। ठीक है, अब देखो एक कॉस नीचे दो कॉस ऊपर, तो एक कॉस से एक कॉस कट गया, पीछे क्या बचा, फाइनल आंसर अपना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अपन क्या कह सकते हैं, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये अपना सिद्ध हो गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे के सारे 90 माइनस थीटा पर बेसिस हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आ गया तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है, साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सेक 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक 90 माइनस थीटा, किसके इक्वल है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के। देखो कैसे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सेक 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ आ गया अपना कॉस सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो 90 माइनस थीटा के फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट लगाते हैं। कैसे, साइन थीटा ये साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, वो होता है अपना साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सेक 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना कोसेक थीटा प्लस इधर कितना आएगा कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, ये भी हो गया कॉस थीटा, फिर इंटू में साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक 90 माइनस थीटा दैट इज सेक थीटा, सेक थीटा। क्लियर, अब देखो ये ऊपर वाले अंश जो है दोनों के वो साइन कॉस में दे रखे हैं, लेकिन हर में क्या है, सेक और कोसेक, तो अपन क्या करें, सेक और कोसेक को चेंज कर देते हैं साइन कॉस में, तो यहाँ अपना बनेगा साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, ये हो गया वन अपॉन साइन थीटा प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय वन बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें नीचे वाले भिन्न को उल्टा करके लिखते हैं, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो अब स्क्वायर स्क्वायर को अपन नहीं छेड़ते, इधर कितना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये वाला कितना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो अपन क्या करें, कॉमन ले लें, कॉमन उठाया अपन ने साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को, पीछे क्या बचेगा, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। देखो इस पूरे में से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉमन, तो इन दोनों को अपन ने गायब कर दिया, इन दोनों को हटाएंगे तो पीछे क्या बचेगा, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, तो ये कितना आ गया,
साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से अपन क्या करते हैं इन दोनों को कॉमन लेते हैं, पीछे क्या बचेगा कॉस थीटा, तो ये अपना यहाँ क्या आ जाएगा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है वन होता है, तो अपने यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पूरा का पूरा वन हो गया। अपने इसको देखो क्वेश्चन नंबर 14 की राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही अपन को सिद्ध करना था, हो गया अपना। यहाँ अपन क्या लिख सकते हैं अतः लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है राइट हैंड साइड के, ये अपना सिद्ध हो गया, आया समझ में। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 ऐसे ही करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है कि साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, और यहाँ दे रखा है कि 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री जो है वो न्यून कोण है, तो अपन को थीटा का मान ज्ञात करना है। कैसे होगा साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, पहले इसको लिख देते हैं साइन 3 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, ठीक है। अब देखो 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं किस में 3 थीटा में, तो साइन 3 थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर होता है कॉस, या इसी को साथ में लेके चलते हैं 3 थीटा, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3 थीटा, ठीक है। इसको यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, मतलब साइन 3 थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3 थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉस 90 माइनस 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, ठीक है। अब देखो कॉस से कॉस काटना नहीं है, यहाँ अपन क्या करते हैं बीच में बराबर दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे दोनों कोणों की तुलना करेंगे। जब बराबर देखो एक तराजू होता है, तराजू में दोनों तरफ भार अगर समान रहेगा तो क्या होगा दोनों लेफ्ट हैंड साइड वाला ले हो या फिर राइट हैंड साइड वाला, दोनों के दोनों बराबर रहेंगे। तो वैसे के वैसे इधर कॉस दे रखा है इधर कॉस दे रखा है और बीच में बराबर दे रखा है, तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे। अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर तुलना करने पर कोणों की तुलना करने पर, ठीक है, बाय कंपेयरिंग एंगल्स ऑफ कॉस। अब यहां क्या हो जाएगा 90 माइनस 3 थीटा, 90 डिग्री माइनस 3 थीटा किसके बराबर थीटा माइनस 6 डिग्री के, ठीक है। ये 3 थीटा इधर शिफ्ट किया और ये 6 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड में, क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 6 डिग्री इक्वल टू थीटा प्लस 3 थीटा, क्लियर। देखो चर को अपन क्या करते हैं हमेशा राइट हैंड साइड में सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 थीटा बराबर 90 प्लस 6 96 96। अब थीटा बराबर कितना आ जाएगा थीटा बराबर आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 4, 96 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1, 1 6 मिलके क्या बनाया 16, 16 में 4 का भाग कितनी बार 4 बार, तो ये आ गया 24, तो थीटा का मान कितना 24 डिग्री कर सकते हो। ऐसे कैसे क्वेश्चन नंबर देखो 16 और 18 दे रखे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन दिखने में सिंपल लग रहा है और होगा भी सिंपल ही, बस है थोड़ा टेढ़ा। कैसे कि इसमें क्या करना पड़ेगा अपन को पहले एंगल लेने हैं कौन, उसके बाद में टैन लेना पड़ेगा बस, अगर टैन लेना याद नहीं रहा तो ये क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं है करने का। देखो वी नो दैट अपन क्या जानते हैं हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों अंत कोणों का योग
बराबर 180 डिग्री। तो अपन क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, समीकरण में क्या करें, समीकरण में दो का भाग देने पर, देखो समीकरण वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या होगा, इस पूरे के अंदर दो का भाग देना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में, क्या आ जाएगा, ए बटा दो प्लस बी बटा दो प्लस सी बटा दो बराबर 180 बटा दो। ठीक है, देखो ये कट रहे हैं, दो एकम दो, दो नम 18, पीछे ये जीरो। ठीक है, अब देखो अपन को क्या सिद्ध करना है, b प्लस सी बटा दो एक साथ रखना है टेन में, तो अपन क्या करें, b और c का लसअप ले लेते हैं और a बटा दो को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, क्या आ जाएगा, यहाँ पर LCM कितना, दो, और जब हर समान होता है तो अंश को अपन सीधा जोड़ सकते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, b प्लस सी, ठीक है, बराबर। अब इधर कितना, 90 डिग्री माइनस a बाय टू। ठीक है, अब देखो इधर b प्लस सी बटा दो है, इधर a बटा दो है, अपन क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ टेन लेने पर, दोनों तरफ अपन टेन लेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन b प्लस सी बटा दो बराबर टेन 90 डिग्री माइनस a बटा दो, और टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, टेन b प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू कॉट a अपॉन टू। देखो यही सिद्ध करना है, तो ये अपना सिद्ध हो गया, आया समझ में, अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही, और ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट होती है। थैंक यू।